दोस्तों, स्वागत है आपका IPL 2020 के लिए टीम कंपैरिजन की सीरीज में। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीम को। बात करेंगे दोस्तों, क्या होगा जब सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीम भिड़ेगी, कौन सी टीम जो है वो है मजबूत, सभी डिपार्टमेंट की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लग रहा है दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद और RR की टीम में से कौन सी टीम है मजबूत IPL 2020 के लिए, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दे। दोस्तों, ये दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती है तो मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। हेड टू हेड की अगर बात करें तो 11 बार दोनों टीमें आमने सामने हुई है, 6 बार जीती है हैदराबाद तो 5 बार जीती है राजस्थान। तो हेड टू हेड में दोस्तों ज्यादा अंतर जो है वो है नहीं। लास्ट ईयर भी दो मुकाबले हुए थे और दोनों ही टीमों ने एक एक मुकाबले जो है वो जीते थे और दोनों ही मुकाबले काफी ज्यादा क्लोज गए थे। तो इस साल भी हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिले, जब सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीम जो हो वो हो आमने सामने। चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम कैप्टन की बात नहीं करने वाले, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अभी तक अपना कप्तान जो है कंफर्म नहीं किया है। वहीं RR की टीम का कप्तान कंफर्म है, जो कि है दोस्तों स्टीव स्मिथ। अब बात करते हैं दोस्तों विकेट कीपर बैट्समैन की। तो विकेट कीपर बैट्समैन की अगर बात करें तो दोनों ही टीमों के पास अच्छे खासे विकेट कीपर हैं, जहां पर एक तरफ दोस्तों जॉस बटलर, संजू सैमसन और रॉबिन उथप्पा, तीन मेन विकेट कीपर बैट्समैन है RR के पास। वहीं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के पास अवेलेबल है जॉनी वेस्टो, रिधिमान शाह और श्रीवत्स गोस्वामी। दोनों ही टीमों के पास काफी अच्छे अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें T20 फॉर्मेट के हिसाब से, IPL के हिसाब से, तो RR की जो टीम है वो यहां पर आगे लग रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से, जहां पर जॉस बटलर, संजू सैमसन दो काफी मेन विकेट कीपर बैट्समैन है, जो कि हमें रेगुलर प्लेइंग 11 में भी दिखाई देने वाले हैं। तो यहां पर RR की जो टीम है वो लगती है आगे। बात करते हैं दोस्तों बैट्समैन की। तो बैट्समैन की अगर बात करें तो एक तरफ जहां पर स्टीव स्मिथ, मनन वोरा है, जॉस बटलर, संजू सैमसन, रॉबिन उथप्पा और यशस्वी जायसवाल है RR के पास। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों केन विलियमसन, डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, मनीष पांडे, रिधिमान शाह, प्रियम गर्ग और विराट सिंह जो है वो है यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के पास। और यहां पर भी दोस्तों जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा बराबरी का लग रहा है, लेकिन T20 फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है स्मॉल मार्जिन से आगे लग रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम से। डेविड वार्नर हैं इस टीम के पास, जॉनी बेस्टो हैं, मनीष पांडे हैं, तीनों ही कमाल की फॉर्म में हमें लास्ट ईयर जो है वो नजर आए थे। इनके अलावा केन विलियमसन भी काफी अच्छे फॉर्म में रहते हैं। तो दोस्तों यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक स्मॉल मार्जिन से आगे लग रही है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो एक तरफ जहां पर हमें बेन स्टोक्स, रियान पराग, राहुल तेवाटिया और महिपाल लोमरोर नजर आने वाले हैं RR के स्क्वाड में। वहीं दूसरी तरफ है दोस्तों मोहम्मद नबी, मिचेल मार्श, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा और फैबियन एलन। दोनों ही टीमों के अगर ऑलराउंडर्स को देखें तो ज्यादा बड़े नाम जो है हमें नजर नहीं आ रहे। और अगर हम कंपेयर करें तो RR की टीम यहां पर आगे लग रही है, क्योंकि RR के पास है बेन स्टोक्स और इनकी बराबरी का कोई भी ऑलराउंडर जो है वो नहीं है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के पास। इसीलिए यहां पर हमने आगे जो है वो रखा है RR की टीम को। अब बात करते हैं दोस्तों स्पिनर्स की। तो स्पिनर में एक तरफ मयंक मार्कंडे, सुरेश गोपाल मेन स्पिनर होने वाले हैं RR के। इनके अलावा राहुल तेवाटिया और रियान पराग भी जो है काफी अच्छे स्पिनर हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राशिद खान नजर आएंगे, जो कि सबसे मेन स्पिनर होने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद के। इनके अलावा शहबाज नदीम, फैबियन एलन और मोहम्मद नबी भी स्पिन के ऑप्शन है यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद के पास। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को हम आगे रख रहे हैं, और रीजन इसके पीछे सिर्फ एक है, वो है दोस्तों राशिद खान। बहुत ही कमाल के स्पिनर हैं IPL में, बहुत ही कमाल का इनका परफॉर्मेंस रहता है और इनके लेवल का कोई स्पिनर जो है यहाँ पर RR की टीम में मौजूद जो है वो नजर नहीं आ रहा। इसीलिए सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है वो लग रही है आगे। बाकी RR के पास भी काफी अच्छे अच्छे स्पिनर हैं। और एंड में दोस्तों बात करते हैं फास्ट बोलर्स की। तो फास्ट बोलर्स की अगर बात करें तो एक तरफ जहां पर जोफ्रा आर्चर, वरुण एरन, टॉम करन, एंड्री टाय, ओशियन थॉमस, जयदेव उनादकट, अंकित राजपूत और बेन स्टोक्स नजर आने वाले हैं RR के स्क्वाड में। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भुवनेश्वर कुमार हैं, संदीप शर्मा, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल, बिली स्टेनलेक, बाशिल थम्पी और टी नटराजन जैसे जो फास्ट बोलर हैं वो हैं सनराइजर्स हैदराबाद के पास। और अगर हम कंपेयर करें तो फास्ट बॉलिंग में यहां पर RR की जो टीम है काफी आगे लग रही है सनराइजर्स हैदराबाद से। काफी तगड़े तगड़े फास्ट बॉलर हैं यहां पर राजस्थान रॉयल्स के पास। इस साल इन्होंने काफी अच्छा काम अपनी फास्ट बॉलिंग लाइनअप में किया है। तो दोस्तों ये था पूरा कंपैरिजन सनराइजर्स हैदराबाद और RR की टीम का, जहां पर हमने पांच डिपार्टमेंट की बात करी। तीन में जो है RR की टीम लग रही है
आगे और दो में राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो लग रही है आगे। आपको क्या लग रहा है दोस्तों, ओवरऑल कौन सी टीम मजबूत है, आरआर या फिर सनराइजर्स हैदराबाद? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।